आइए आज जानते हैं दुनिया के 10 खतरनाक और खौफनाक गैंगस्टर्स के बारे में, जिनमें से कोई है जूनियर ओसामा तो कोई है ड्रग्स का राजा। फोर्ब्स ने एक सूची जारी की थी जिसमें उस दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में बताया था। इनमें से कुछ की मौत हो चुकी है, लेकिन आतंक से इन सभी ने नाक में दम करके रखा है। किसी ने बम धमाकों से अंजाम दिया तो किसी ने ड्रग्स का धंधा कर पूरी दुनिया में ये जाल बिछा दिया। आज हम आपको इन 10 क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, आखिर कैसे इन्होंने छिपकर अपराध को अंजाम दिया। हमारे लिस्ट की सबसे नंबर वन पर आता है डोकू उमराव। डोकू उमराव को रूस का ओसामा बिन लादेन भी कहते हैं। डोकू उमराव फोर्ब्स की मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की सूची में पहले स्थान पर है। डोकू उमराव की कोशिश दक्षिण रूस को एक इस्लामिक साम्राज्य बनाना है। रूस में 2010 में आतंकी घटनाओं के लिए इसने जिम्मेदारी ली थी। मॉस्को में कई जगहों पर बमबारी के लिए उमराव को दोषी माना गया है। उमराव के बारे में सूचना देने के लिए $5 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। हमारे लिस्ट की दो नंबर में है जोक्विन गजमैन। जोक्विन गजमैन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी माना गया है, जो एल चेपो के नाम से फेमस है। इसे मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग तस्करी के लिए दोषी पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि गजमैन मेक्सिको की पहाड़ियों में छुपा हुआ है। अगला है अयमान अल जवाहिरी। तालिबानी नेता अयमान अल जवाहिरी को दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड अपराधी माना गया है। जवाहिरी को 1998 में तंजानिया और केनिया में मौजूद अमरीकी दूतावास में बमबारी कराने का मास्टरमाइंड माना गया है। इस बमबारी में सैकड़ों लोग मारे भी गए थे। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद जवाहिरी अब अलकायदा का नया मुखिया है। चौथा नंबर पर है दाऊद इब्राहिम। भारत के सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद को फोर्ब्स की दुनिया में चौथा मोस्ट वांटेड अपराधी माना गया है। दाऊद 1993 में मुंबई में हुए सीरियल धमाकों से 257 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया है। फोर्ब्स ने 2011 में दाऊद की डी कंपनी में करीब 5000 लोगों के जुड़े होने की बात कही है। दाऊद की कई आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े होने की भी बात सामने आई है। अगला है सेमियन मोगिलेविच। सेमियन रूस में संगठित अपराध का एक बड़ा चेहरा है। इसे 2008 में टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वकीलों के दलीलों की वजह से इन्हें 2009 में छोड़ दिया गया था। सेमियन पर $150 मिलियन के स्टॉक का फ्रॉड करने का भी आरोप है, जिसकी वजह से अमेरिका ने सेमियन पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसके अलावा सेमियन रूस और अमेरिका में हथियार तस्करी में भी एक सरगना अपराधी है। नसीर अल हुआएसी। हुआएसी ओसामा बिन लादेन का पूर्व सचिव है, जो यमन में अलकायदा का सबसे बड़ा नेता है। इस पर अमेरिका सहित कई देशों में आतंकी हमला करने का आरोप है। मेटियो मेसिना डिनारो। डिनारो को इटली का सबसे बड़ा माफिया माना जाता है। इटली में कई आपराधिक ग्रुप है, जिनमें डिनारो को सबका बॉस माना गया है। डिनारो के कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है। अलीम जहां तोख्ता खुनाओ वास्तविक रूप से उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन ये रूस में बड़े पैमाने पर अपराध करने का दोषी माना गया है। अलीम जहां ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी और चोरी के वाहनों की तस्करी कराने के लिए कुख्यात है। इसके अपराध से अमेरिका भी परेशान है और अलीम जहां को पकड़ने की कोशिश जारी है। फिलिसियन कोबुका। कबुका को अफ्रीका क्षेत्र का मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता है। कबुका को अफ्रीका में करीब 800,000 लोगों का नरसंहार का दोषी पाया गया है। कबुका ने 1994 में एक विशेष जाति रवांडा के लोगों का नरसंहार कराया था। जोसेफ कोनी। जोसेफ लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी का मुखिया है, जिसका युगांडा में खौफ है। जोसेफ ने भी युगांडा सहित कई इलाकों में भीषण नरसंहार कराया था। जोसेफ पर 30,000 बच्चों सहित 60,000 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या, बलात्कार और सेक्स सेलेवरी के लिए दोषी माना गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक 10 गैंगस्टर्स। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना ना भूलना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल करना ना भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।